हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ट्यूब ड्राइंग प्रोसेस के बारे में। ट्यूब ड्राइंग जैसे वायर ड्राइंग प्रोसेस होता है, सिमिलर होता है ट्यूब ड्राइंग, ठीक है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, मैं आपको उसके बारे में आज बताऊंगा। ट्यूब ड्राइंग भी एक मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस है। मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस क्या होता है? जिसमें मेटल प्लास्टिकली डिफॉर्म हो जाए और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस मेटल से चिप रिमूव ना हो, उसे हम बोलते हैं मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस। और ट्यूब ड्राइंग अंडर दी कैटेगरी आती है मेटल फॉर्मिंग के, ठीक है। जैसे हम वायर ड्राइंग में क्या करते थे, पहले वाली वीडियो मैंने वायर ड्राइंग के बारे में बताया है, आप उस वीडियो को जरूर देख लें। हम वायर ड्राइंग में क्या करते थे, हमारे पास लार्ज क्रॉस सेक्शन की वायर होती थी, ठीक है। हम उसे डाई से प्लास करते थे तो हमें हमें स्मॉल क्रॉस सेक्शन की वायर मिल जाती थी। ये होता था वायर ड्राइंग। ट्यूब क्या होती है? ट्यूब इज बेसिकली इन होलो क्रॉस सेक्शन, ठीक है। ट्यूब एक होलो क्रॉस सेक्शन में होती है, ठीक है। ट्यूब ड्राइंग में क्या होता है, हमारे पास एक होलो क्रॉस सेक्शन की ट्यूब होती है, ठीक है। ये ट्यूब है, हम इसे डाई से पास कराते हैं। लार्ज क्रॉस सेक्शन की हमारे पास होलो ट्यूब होगी। जब हम इसे डाई से पास करेंगे तो हमें स्मॉल क्रॉस सेक्शन की एक होलो ट्यूब मिल जाएगी, ठीक है। इसका काम भी है लार्ज क्रॉस सेक्शन को स्मॉल क्रॉस सेक्शन में कन्वर्ट करना, ट्यूब ड्राइंग का, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक होलो क्रॉस सेक्शन की ट्यूब होती है जिसे हम स्मॉल क्रॉस सेक्शन की होलो ट्यूब में कन्वर्ट कर देते हैं। और वायर ड्राइंग में हमारे पास एक सॉलिड यूनिट होती है जिसे हम स्मॉल क्रॉस सेक्शन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ये डिफरेंस होता है ट्यूब ड्राइंग एंड वायर ड्राइंग में, ठीक है। ये है बेसिक सेटअप ऑफ ट्यूब ड्राइंग। इसमें क्या होता है, जैसे वायर ड्राइंग में डाई से यूज होती थी, ये है डाई, ठीक है, अपर एंड लोअर डाई, ठीक है। इसके बीच में हम मैंड्रल यूज करते हैं, ये है मैंड्रल, ठीक है। मैंड्रल बेसिकली इस ट्यूब को एक शेप प्रोवाइड करता है, ठीक है। इस मैंड्रल के साइज से डिपेंड होता है जो हमें आउटपुट पर जो क्रॉस सेक्शन मिलेगा, होलो क्रॉस सेक्शन मिलेगा, उसका डायमीटर और ये थिकनेस और इसका इंटरनल डायमीटर मैंड्रल के साइज पर डिपेंड करता है, ठीक है। और ये पुल करने के लिए अरेंजमेंट है ग्रिपर एंड ड्रा बेंच, ठीक है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इस साइड से ट्यूब को पुल किया जाएगा, ठीक है, और हमें आउटपुट पर ये डाई मिल जाए, ये आउटपुट पर हमें होलो ट्यूब मिल जाएगी, ठीक है। सबसे पहले हम एक लार्ज क्रॉस सेक्शन की होलो ट्यूब होगी, ये लार्ज क्रॉस सेक्शन की होलो ट्यूब है, इसे हम डाई से पास करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस मैंड्रल। मैंड्रल को हम इन दोनों डाई के बीच में रख देंगे, ठीक है। उसके बाद हम इस होलो ट्यूब को इस डाई के बीच से पास करेंगे। जब पास करेंगे तो अकॉर्डिंग टू द मैंड्रल साइज हमें आउटलेट पर एक स्मॉलर क्रॉस सेक्शन की होलो ट्यूब मिल जाएगी, ठीक है। जो हमें आउटलेट पर ये होलो ट्यूब मिल रही है, इसका इंटरनल साइज, ये इंटरनल डायमीटर और ये थिकनेस, ये डिपेंड करती है मैंड्रल, ठीक है, मैंड्रल के साइज पर, ठीक है। इसलिए हम अकॉर्डिंग टू आउटपुट हम मैंड्रल सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। ये था बेसिक प्रोसेस ऑफ ट्यूब ड्राइंग। ट्यूब ड्राइंग में सिंपली लार्ज क्रॉस सेक्शन की होलो ट्यूब को हम स्मॉल क्रॉस सेक्शन की होलो ट्यूब में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। करते हैं ट्यूब ड्राइंग की कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में। दी प्रोसेस ऑफ ट्यूब ड्राइंग इज सिमिलर टू वायर ड्राइंग, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया। बट इन ट्यूब ड्राइंग मैंड्रल इज यूज टू प्रोवाइड इंटरनल होल, ठीक है। इसमें मैंड्रल यूज करते हैं, जैसे मैंने आपको डायग्राम में बताया, मैंड्रल इज यूज टू प्रोवाइड द इंटरनल होल, ठीक है। द साइज ऑफ मैंड्रल डिसाइडिंग द इंटरनल होल ऑफ ट्यूब, ठीक है। जो इंटरनल होल का साइज होगा वो मैंड्रल के साइज पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आउटपुट पे हमें जो इंटरनल होल चाहिए हम मैंड्रल को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। द डायमीटर एंड वॉल थिकनेस ऑफ ट्यूब्स दैट हैव बीन प्रोड्यूस्ड बाय एक्सट्रूजन और अदर प्रोसेसेस, जो होलो ट्यूब पहले बनाई जाती है, सबसे पहले होलो ट्यूब एक्सट्रूजन और अदर प्रोसेसेस से पहले ये ट्यूब बनाई जाती है जो कि होलो इन क्रॉस सेक्शन होती है, कैन बी रिड्यूस्ड बाय ट्यूब ड्राइंग प्रोसेस, ठीक है। उसे हम रिड्यूस कर देते हैं बाय ट्यूब ड्राइंग प्रोसेस, ठीक है। ट्यूब
ट्यूब ड्राइंग में हम ट्यूब नहीं बनाते हैं, सिंपली हम ट्यूब का क्रॉस सेक्शन को रिड्यूस करते हैं, ठीक है। जो ट्यूब है वो हम एक्सट्रूजन और अदर प्रोसेसेस से बनाते हैं, जिसके बारे में हम आगे वाली वीडियो में बात करेंगे। ट्यूब ड्राइंग में हम ट्यूब का क्रॉस सेक्शन, ट्यूब के क्रॉस सेक्शन को रिड्यूस करते हैं, ठीक है। कैन बी रिड्यूस्ड बाय द ट्यूब ड्राइंग प्रोसेस, जो ट्यूब का क्रॉस सेक्शन है वो हम ट्यूब ड्राइंग प्रोसेस से रिड्यूस करते हैं, ठीक है। ट्यूब्स आर लार्ज एज 0.3 मीटर इन डायमीटर कैन बी ड्रॉन, ये मैक्सिमम लिमिट है ट्यूब्स के डायमीटर की जो हम डाइस के बीच से ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। ये है मैक्सिमम लिमिट, इतने डायमीटर की हम ट्यूब को हम डाई से ड्रा कर सकते हैं और पुल कर सकते हैं, ये मैक्सिमम लिमिट है ट्यूब की, ठीक है। इसके बिलो वाली ट्यूब्स को हम ड्रा कर सकते हैं डाई से, ठीक है। ये मैक्सिमम लिमिट है ट्यूब की, ठीक है। इससे ज्यादा वाली ट्यूब को हम ड्रा नहीं कर सकते बिटवीन दी डाई, ठीक है। ये थी वर्किंग ऑफ ट्यूब ड्राइंग। थैंक यू।